अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप दोस्तों को UBL अकाउंट में RAST ID एक्टिव करने का सही तरीका बताएंगे, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि RAST ID होती क्या है ये सिखाएंगे, और तीसरी बात ये कि आज हम आप दोस्तों को कुछ ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारे इस आबिद भाई चैनल में गिववे भी चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका है, ठीक है। तीन पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर होंगे। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप दोस्तों ने अभी तक जो है आबिद भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि RAST ID होती क्या है। RAST ID दोस्तों वो होती है कि अगर आप दोस्त किसी से रकम मंगवाते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो दोस्तों आपको उसको जो है बैंक अकाउंट देना पड़ता था, लेकिन अभी आपको एक ऐसा सिस्टम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया है कि अगर आप उस RAST ID को एक्टिव कर लेते हैं तो आपको कोई बैंक अकाउंट कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। बस उसे कहें कि ये मेरी UBL या फिर जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा, कह दें कि ये मेरी RAST ID है, इसमें आप बैलेंस ट्रांसफर कर दें तो इजीली एक सेकंड के अंदर हो जाएगा। बैंक अकाउंट में क्या होता था कि कभी कभी तो दो तीन घंटे बाद भी बैलेंस एक्टिव होता था, लेकिन RAST ID ये है कि वहां से आपने बैलेंस भेजा यहां पे फौरन से पहले एक्टिव हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत जल्द पहुंच जाता है। तो ये कैसे करना है सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को UBL की जो एप्लीकेशन होती है उसमें जाके सिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों को बताते चलो कि ये जो गिववे सिस्टम है ये कैसे चल रहा है। तो दोस्तों हमारे इस आबिद भाई चैनल में गिववे स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह काफ़ी सारे दोस्तों ने यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट भी कर लिया है। आप दोस्त भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है, और नीचे अपनी ओरिजिनल रियल जो आपके पास जीमेल आईडी लॉगिन हो उससे कोई भी कमेंट कर देना है। उसके बाद इंशाल्लाह कल जुमा है और कल जुमे वाले दिन इंशाल्लाह हम लाइव आएंगे, लाइव आके आप दोस्तों को गिव वे देंगे। पहले मैंने सोचा था कि गिव वे जो है सिर्फ 30 TRX का दूँ, लेकिन आप दोस्तों की मोहब्बत देख कर मैं चाह रहा हूँ कि 100 TRX का मैं गिव वे करूँगा। 100 TRX के तीन विनर निकालूंगा, ठीक है, 30-30 TRX दूंगा और उसके बाद दोस्तों 30-30 TRX के तीन विनर होंगे, जिनका नसीब हुआ हम उनसे राबता करेंगे, लाइव करेंगे सारा कुछ इंशाल्लाह, और कल वो वीडियो आ रही है। बाकी आपने क्या करना है, ये तमाम वीडियो देख लेनी है, वीडियो पूरी देख के नीचे कॉमेंट कर देना है, मैं कोई भी वीडियो उठा सकता हूँ, जो भी मेरा दिल करेगा मैं वो वीडियो उठाऊंगा, उस वीडियो के कॉमेंट पिक करूंगा, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप तमाम वीडियो को देख लें, देख के उसके नीचे कॉमेंट भी कर दें ताकि आप गिववे से जो है पार्टिसिपेट करने से मिस ना हो जाए। ओके, तो अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक कौन सा है दोस्तों, यहां पे देखें मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा अपना UBL अकाउंट में। ये देखें UBL एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन की होगी अगर आपका ऑलरेडी UBL पे अकाउंट है तो, अगर आपको RAST ID बनानी है, ठीक है। यहां पे दोस्तों आपने इसको पहले लॉग इन कर लेना है। लॉग इन के लिए दोस्तों मैं यहां पर अपना थम लगाऊंगा क्योंकि मैंने यहां पर थम सिस्टम ओपन किया हुआ है। तो जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करते हैं आपके सामने ये थोड़ा सा वेरिफिकेशन करके इस तरीके से UBL एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाती है। अभी देखिए दोस्तों जैसे आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन होती है बहुत आसान होता है, तो उसके बाद ऊपर आ जाएं, आपको ऊपर एक आइकन दिख रहा है, एक सर्च का आइकन दिख रहा है, दूसरा आपको एक आइकन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना होता है। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको रिफ्रेश करके कुछ इस सेटिंग पर लेके आएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग मिल जाती हैं लेकिन आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल के बिल्कुल सामने एक सेटिंग का बटन दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करना होता है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने काफ़ी सारी सेटिंग आ जाती हैं। अब दोस्तों आपने कैसे करनी है RAST ID एक्टिव, यहां पे दोस्तों आपको एक नजर आ रहा है बटन RAST मैनेजमेंट, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको एक बिल्कुल प्लस का बटन नजर आ रहा है, नीचे लिखा है, उसके बिल्कुल साथ ही लिखा है कि क्रिएट, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है सेलेक्ट करें अपनी RAST ID। तो दोस्तों बेसिकली ये होता है कि जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, वहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर भी पूछा जाता है। तो जो मोबाइल नंबर आपका वहाँ पे पूछा जाता है, अक्सर औकात ये होता है कि वो ही मोबाइल नंबर यहाँ पर अटैच होकर आ जाता है, बाज़ औकात यही होता है। तो बहरहाल अगर ना हो तो फिर आपने नंबर वगैरह देना होता है। तो अब आपने क्या करना है, सेलेक्ट RAST ID पर क्लिक करना है। ये मैंने सेलेक्ट RAST ID पर क्लिक किया, थोड़ा सा ड्रॉप डाउन खुला और यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया मोबाइल नंबर का, ठीक है। अगर आप यहां मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल नंबर आपका वहां पे सिलेक्ट ना हुआ, अगर आपने कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया होगा तो ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा कि भाई आपने कौन सा मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। अगर आपने वहां पे कोई मोबाइल नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी बैंक में जब आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया था तो दोस्तों तब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मोबाइल नंबर आ गया, और उसके बाद दोस्तों अगर आपने कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया होगा तो वो पूछेगा कि यहां पर मोबाइल नंबर डालें, लेकिन मैंने दिया हुआ है इस वजह से मेरा पूछ रहा है कि आप नीचे
कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ठीक है, अगर आपका नहीं होगा तो आप यहाँ पे नंबर डाल के फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मेरा दिया हुआ है, मैं यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों देखें मेरा जो क्या ऑप्शन आ गया, मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्त आईडी मोबाइल नंबर नीचे ऑटोमेटिकली उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे देखें नीचे मेरा अकाउंट नंबर ठीक हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसके नीचे बिल्कुल आप देख सकते हैं कंटिन्यू का बटन नजर आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। बहुत आसान होता है दोस्तों, मुश्किल नहीं होता। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ थोड़ा सा वेरिफिकेशन करेगा। अब दोस्तों यहाँ से वो कह रहा है कि सक्सेसफुली आपकी रास्त आईडी एक्टिव हो चुकी है, मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने डन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरी रास्त आईडी जो है एक्टिव हो चुकी है। अब दोस्तों ये देखें, ये मेरी रास्त आईडी है, मोबाइल नंबर ठीक है जी, बैंक मेरा है यूपीएल, ओके हो गया। अब दोस्तों नीचे आपको एक डी लिंक का बटन नजर आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो रास्त आईडी नंबर है ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये खत्म हो जाएगा, आप दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत आसान है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने अपनी रास्ता आईडी एक्टिव करनी है यूबीएल अकाउंट में। अगर कहोगे तो मैं आपको इंशाल्लाह बाकी जो भी बैंक अकाउंट आप बोलोगे मैं उसमें आपको इसकी रास्ता आईडी एक्टिव करके दिखा दूंगा। बाकी रही बात इसमें रकम ट्रांसफर करने की, उसकी इंशाल्लाह मैं अलहद से वीडियो बनाऊंगा कि जैस कैसे कैसे रास्ता आईडी में रकम एक्टिव की मतलब सेंड की जाती है, और इजी पैसा से कैसे रकम सेंड की जाती है, या फिर किसी भी अदर बैंक अकाउंट से कैसे रास्ता आईडी में रकम सेंड की जाती है, उसमें इंशाल्लाह एक अलहद सी वीडियो बनेगी। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप दोस्तों को यहाँ पर कोई भी समझ नहीं आई तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और अपना प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी से कर देना, और वीडियो पूरी देखा करें, ठीक हो गया, ताकि दोस्तों आप गिव अवे में हिस्सा ले पाएं। आज के लिए इतना था, दुआओं में याद रखिएगा, आप शहजाद को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।